हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आज टेक्नोलॉजी टेक्स फॉर। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपका मोबाइल अगर बहुत ही ज्यादा हैंग होता है, आप अपने मोबाइल पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, जिससे बीच में आपका फोन रुक जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे 5 प्रो सेटिंग के बारे में, जिससे आपका फोन हैंग होने से बचेगा और आपका मोबाइल परफेक्टली वर्क करेगा। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 5 प्रो सेटिंग के बारे में, जिससे कि आपका फोन हैंग होने से बचेगा, और लास्ट में जानेंगे 1 प्रो सेटिंग जिससे आपका फोन एकदम परफेक्टली स्मूथली वर्क करेगा। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले सेटिंग्स की, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में। आप जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स। तो दोस्तों ऑटो अपडेट ऐप्स से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पर है, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स। तो दोस्तों यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क पर सिलेक्ट रहता है या फिर ओवर वाईफाई ओनली पर सिलेक्ट रहता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो मोबाइल पर इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो अपने आप से ही अपडेट ना हो, जिससे आपका मोबाइल हैंग होने से बचेगा और आपका डेटा भी बचेगा। दोस्तों दूसरा जो प्रो सेटिंग है आपको मोबाइल के सेटिंग में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट फोन का सेक्शन। अबाउट फोन का सेक्शन आपको मोबाइल के सबसे ऊपर मिलेगा या फिर सबसे आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको अबाउट फोन पर जाना है और यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन रहता है, इनेबल रहता है, और यहाँ पर डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डेटा भी इनेबल रहता है। तो दोस्तों आपको डाउनलोड ऑटोमेटिकली को यहाँ से ऑफ कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डेटा को भी यहाँ से ऑफ कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जितना भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा मोबाइल पर से ऑटोमेटिकली आपका जो अपडेट है वो डाउनलोड नहीं होगा, जिससे कि आपका डेटा भी बचेगा और आपका मोबाइल हैंग होने से भी बचेगा। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रो सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये भी आपको मोबाइल के सेटिंग में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जैसे सेटिंग पर आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंटेंट सिंक का। तो दोस्तों आप जैसे अकाउंटेंट सिंक पर आएंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑटो सिंक डेटा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने से आपको जो बैकग्राउंड में जो भी आपका डेटा सिंक होता रहता है उसको यहाँ से इसको ये ऑफ कर देगा, जिससे आपका मोबाइल और भी परफेक्टली वर्क करेगा और हैंग प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व कर देगा और आपका मोबाइल पहले से और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों चलते हैं चौथे प्रो सेटिंग की तरफ। तो ये भी आपको अबाउट फोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको MIUI वर्जन पर 7 बार क्लिक करना होता है। कैनल वर्जन या फिर बिल्ड नंबर होता है बहुत सारे मोबाइल पर, उसको आपको 7 टाइम क्लिक करना होता है, तब आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। मेरा ऑलरेडी इनेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है नो नीड टू यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो दोस्तों ये आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर देता है और डेवलपर ऑप्शन आपको मोबाइल के सबसे निचले हिस्से में दिखेगा, नहीं तो आपको एडिशनल सेटिंग में दिखेगा। तो दोस्तों डेवलपर ऑप्शन मेरा एडिशनल सेटिंग में डायरेक्टली शो हो रहा है, किसी का आप दूसरे फोन में आप एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में चलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सेटिंग को आपको चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल। आप जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एनिमेशन यहाँ पर स्केल 1x पर सिलेक्टेड रहता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस एनिमेशन को ऑफ कर देना है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल भी आपको ऑलरेडी एनिमेशन स्केल 1x पर सिलेक्टेड रहता है, इसको भी आपको यहाँ से एनिमेशन ऑफ कर देना है। और यहाँ पर एनिमेट ड्यूरेशन स्केल का ऑप्शन भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग है मोबाइल का फास्ट होगा। जैसे आप बैक करेंगे और किसी देखिए आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे किसी में क्लिक करेंगे, ये एकदम कम से कम टाइम के अंदर आपको उस ऐप में या फिर कोई भी फंक्शन में आपको ओपन कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर और इसके बाद चलते हैं और सेटिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन में आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट देखने को मिलेगा। बहुत सारे मोबाइल में लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस का ऑप्शन रहता है,
और नहीं तो आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट सिलेक्टेड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस पर सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगा, जिससे आपका मोबाइल का बैटरी बचेगा और स्टोरेज कंजम्पशन बचेगा और रैम भी फ्री रहेगा, जिससे आपका मोबाइल और भी बेटर परफॉर्मेंस देगा और स्मूथली वर्क करेगा। तो दोस्तों 5 प्रो टिप्स हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप गूगल डुओ हो गया, गूगल प्ले म्यूजिक जिसको आप यूज नहीं करते हैं, आप इन एप्स को यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते आप डायरेक्ट ही यहाँ से इसको अनइंस्टॉल करिए और यहाँ पर आपका जो स्टोरेज होगा वो फ्री रहेगा। तो दोस्तों और फास्ट और स्मूथली वर्क करेगा आपका मोबाइल, जिससे कि आपको मोबाइल हैंग भी नहीं होगा और आपका मोबाइल बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर Xiaomi के फ़ोन अगर यूज करते हैं तो क्लीनर का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से क्लीनर पर डेली जाकर ट्रैश फाइल करना चाहिए। यहाँ पर 299 MB का 300 का कैच फाइल बनता है, जिसे आपको क्लीन अप कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मोबाइल और भी स्मूथली वर्क करेगा और यहाँ पर जो भी एप्स आपने खोले हैं आगे पीछे, तो दोस्तों इनको आपको हमेशा क्लियर रखना है ताकि रैम क्लियर रहे। यहाँ पर दोस्तों रैम क्लियर रहे, स्टोरेज पर लोड कम रहे, इससे आपका मोबाइल हैंग होने से बचेगा और परफेक्टली स्मूथली वर्क करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।